लोग का स्वागत है वीडियो में। तो सबसे पहले लोग बात कर लेते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में आज है मैच मोहम्मद एफसी वर्सेस दिल्ली एफसी। एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है क्योंकि कल गोकुलम को 5 गोल से जीतना था टॉप पोजीशन में जाने के लिए, एंड गोकुलम ने 5 गोल से जीत लिया है कल का मैच। तो इसलिए मोहम्मदन के लिए भी ये मैच जीतना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोहम्मदन को सिर्फ 1 गोल से जीतना है अगर उनको फिर से नंबर वन पोजीशन रिक्लेम करना है। तो वैसे भी सी अभी जस्ट लीग स्टार्ट हुआ है, एकदम ही नया स्टार्ट हुआ है, सो टाइम है मोहम्मदन के पास अच्छा खासा। लेकिन जिस लाइक यू नो पेसी पेसनेस के साथ खेल रहे मोहम्मदन और गोकुलम, बहुत बहुत मजा आने वाला है इन दोनों के बीच में। इस बार एक घमासान टक्कर होने वाला है और चीजें बहुत क्लोज है। वैसे दिल्ली का भी अभी तक का सीजन का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, उन्होंने भी एक मैच जीता है, एक मैच ड्रॉ किया है, एंड उन्होंने 2 मैच ही खेला। मोहम्मदन ऑलरेडी यहाँ पे 3 मैच खेला, तो दिल्ली के पास भी चांस है कि वो इस मैच को जीत के टॉप 3 में जा सके। अगर ज्यादा मार्जिन से जीत लिया तो सेकंड पोजीशन में चले जाएंगे, उससे भी ज्यादा मार्जिन से जीत लिया तो फर्स्ट पोजीशन में चले जाएंगे। मतलब 6-7 गोल्स के मार्जिन, 8 गोल के मार्जिन से जीतना होगा तब जाके वो फर्स्ट पोजीशन में जाएंगे। तो ये खैर अलग बात है, उसको लेकर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जीतना वही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज होगा। अभी तक खैर 2-3 मैच ही हर एक क्लब ने खेला, ये मोहम्मदन का 4th मैच है, एंड देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग के ही मानता हूँ कि मैंने ऑलरेडी लास्ट में भी आई लीग के ही बारे में बात किया, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं नए लीग के बारे में, आई लीग 3rd डिवीजन के बारे में, जो कि नया नया स्टार्ट हुआ है और कल से स्टार्ट हुआ है। कल ही अनाउंसमेंट हुआ, कल से ही स्टार्ट हो गया, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल हुआ। स्टार्ट तो खैर लाइक प्लानिंग तो काफी लंबे टाइम से ही था, लेकिन ऑफिशियली कल से ही हुआ है। और यहाँ पे टोटल 25 टीम्स खेल रहे हैं आई लीग 3rd डिवीजन में, और 3 टीम्स को डायरेक्टली मौका मिलेगा टू द नेक्स्ट राउंड। और लाइक यू नो लीग टेबल के जो टॉप 3 टीम्स होंगे उनको डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में मौका मिलने वाला है। अगर हम लोग लाइक ग्रुप स्टेजेस का बात कर ले, तो ग्रुप स्टेजेस में ऑलरेडी लाइक 25 टीम्स है, 5 ग्रुप्स है, एंड यू नो छत्तीसगढ़ से 2 टीम्स है, दिल्ली से 2 टीम है, गोवा से भी इस बार 2 टीम है, लोग काफी पुराने पुराने टीम से लाइक डिम्पो का ऑलरेडी काफी बड़ा हिस्ट्री है, और स्पोर्टिंग क्लब से गोवा भी काफी लाइक यू नो पुराना ही टीम है, 1999 में फॉर्म हुआ था, एंड एक टाइम पे तो उन्होंने खेला भी सही। गोवा के दोनों ही टीम्स ने एक टाइम पे लाइक आई लीग या नेशनल लीग जो होता था वो दोनों ही क्लब्स ने खेला है। सो ये दोनों भी 3rd डिवीजन में खेल रहे इस बार, और गुजरात से भी 2 टीम से बड़ौदा और आरआईएफसी ने भी काफी कोशिश किया था लास्ट सीजन की वो आई लीग के लिए क्वालिफाई कर सके, बट सैली नहीं हुआ। अब वो 3rd डिवीजन खेलेंगे, एंड 2nd डिवीजन में थे एक्चुअली आरआईएफसी एक टाइम पे, फिर कर्नाटका से 2 टीम है, एक है किक स्टार्ट और बैंगलोर एससी बैंगलोर, मध्य प्रदेश से एक ही टीम है लेक सिटी, पंजाब से 2 टीम आने वाला है, एक डुआब यूनाइटेड जो कि जलंधर का टीम है, और इंटरनेशनल एफसी फगवारा, फगवारा बेसिकली फगवारा का टीम है वो जगह का नाम है बेसिकली, और राजस्थान से जयपुर एलीट है एक ही क्लब है, महाराष्ट्र से भी एक ही क्लब है मिल्लत एफसी, वेस्ट बंगाल से 2 क्लब्स ने क्वालिफाई किया है वो है भवानीपुर और डायमंड हब। सो दोनों ही काफी अच्छे क्लब्स है, वेस्ट बंगाल के सीएफएल में परफॉर्मेंस भी दोनों ही क्लब्स का काफी अच्छा है, भवानीपुर आप बोल सकते हो कि मोहन बगान का एक एडिशनल क्लब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो भवानीपुर को, डायमंड हार्बर इंडिविजुअल अलग क्लब है। केरला से सिर्फ केरला यूनाइटेड, ऑल्दो केरला यूनाइटेड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड रखते पूरे टूर्नामेंट में, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम पूरे टूर्नामेंट के है केरला यूनाइटेड, सो वो देखने में बहुत मजा आने वाला है। मेघालय से एक टीम है, और फिर मणिपुर से 2 टीम्स को क्वालिफाई करवाया गया, मतलब मणिपुर से 2 टीमें होना भी चाहिए, मणिपुर से 3 टीम्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आसाम से 1 टीम है जो कि लाइक आसाम से डायरेक्ट क्वालिफिकेशन कुछ हुआ क्योंकि टूर्नामेंट हुआ नहीं आसाम में वैसे। फिर उड़ीसा से 1 टीम है स्पोर्ट्स उड़ीसा करके, तेलंगाना से अब्बास यूनियन एफसी है, और पौंडीचेरी से लाइक सबसे वीकेस्ट टीम है पौंडीचेरी से, लेकिन पौंडीचेरी से टीम है, उन्होंने रजिस्टर करवाया, यही अपने आप में बहुत बड़ा बात है क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल टीम भी नहीं है, ये बेसिकली जेपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एफसी मतलब एक यूनिवर्सिटी का टीम है ये। सो उन्होंने भी लाइक उन्होंने रजिस्टर करवाया है, क्वालिफाई किया, ये काफी ज्यादा देख लिया चीजों की इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बट मेनली गोवा कोलकाता और लाइक यू नो केरला के क्लब्स के ऊपर ज्यादा नजर रहेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्लब से देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इनका परफॉर्मेंस ओवरऑल रहता कैसा है। नेक्स्ट चलो बात कर लेते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा के जो करंट प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बोला है और ये डिसाइडेड भी है कि वो संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल होने वाला है वो अटेंड करेंगे, तो जियानी इन्फेंटिनो का हम लोग संतोष ट्रॉफी के फाइनल में देख पाएंगे जो कि काफी ज्यादा एक बड़ा बात है लाइक। और संतोष ट्रॉफी का भी नाम चेंज होकर फीफा संतोष ट्रॉफी ऐसा रखा जा रहा है नेक्स्ट सीजन से। सो सी संतोष ट्रॉफी ऑलरेडी काफी ज्यादा पुराना टूर्नामेंट है एंड वो सपोर्ट उनको मिल रहा है, अब संतोष ट्रॉफी फाइनल में भी
लाइक यू नो एक फीफा का प्रेसिडेंट अटेंड करने वाला है, तो ये कोई भी छोटा मोटा बात नहीं है. सो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि लाइक यू नो कैसा परफॉर्मेंस रहता है और फाइनल किस टीम्स के बीच में होता है, ये भी काफी ज्यादा ही देखने चीज होगा. एंड लाइक ये एक सपोर्ट मिल रहा है और थोड़ा सा पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, सो अच्छा बात है. एंड अगर हम लोग लाइक इस सीजन का देख ले अभी तक का संतोष ट्रॉफी, अभी तक बाकी है टूर्नामेंट, सो देखना काफी इंटरेस्ट होगा कि इस बार फाइनल किन दोनों टीम्स के बीच में होता है. नेक्स्ट चलो बात कर लेते हैं एथलेटिको मैड्रिड के बारे में. तो डिएगो सिमियोने ने एथलेटिको मैड्रिड के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 तक एक्सटेंड करवा लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही चीज है क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंड डिएगो सिमियोने के अंडर ही एथलेटिको मैड्रिड इतना ज्यादा प्रॉस्पर किया, तो उनको कंटिन्यू रखना काफी सही डिसीजन है एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से. नेक्स्ट चलो बात करते हैं ब्रूनो फर्नांडिस की तरफ से. तो ब्रूनो फर्नांडिस सऊदी प्रो लीग में क्या जाएंगे नहीं, इसको लेकर भी डिस्कशन चल रहा है. कुछ ऑफर्स है उनके पास, अल नसर से एक ऑफर है उनके पास, लेकिन अभी भी कुछ कॉन्क्रीट कहा नहीं जा सकता. हम लोग अगर लक अच्छा रहा तो रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस का एक कॉम्बिनेशन हम लोग देख पाएंगे सऊदी प्रो लीग में भी. वैसे जब यूनाइटेड ने ये कॉम्बिनेशन हम लोग को दिखा था बहुत कुछ खास था नहीं, लेकिन पुर्तगाल नेशनल टीम में इनका कॉम्बिनेशन काफी सही बैठता है. सो अगर अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाए तो नो डाउट बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. एंड देखते हैं कि यू नो परफॉर्मेंस कैसा रहता है ब्रूनो फर्नांडिस का अगर वो सऊदी प्रो लीग में जाते, क्योंकि अभी तो खैर यूनाइटेड का हालत भी कोई ज्यादा सही है नहीं, और अगर ब्रूनो फर्नांडिस भी चले जाते तो हालत और खराब ही होगा. चैंपियंस लीग से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या वो बाहर ही हो चुके हैं, यूरोपा लीग का बाकी वो खेलने वाले हैं. सो देखते कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है ब्रूनो फर्नांडिस का एंड क्या वो यूनाइटेड छोड़ के सऊदी प्रो लीग के किसी क्लब में जाते हैं नहीं. सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दो स्विच में, एंड अगर पिछले में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना, बेल आइकन दबाना ताकि मैं जब भी अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड मैं अपने साथ तब तक के लिए बाय.